क्या है ईश्वर? वो जिसने धर्म जाति बनाया, या वो जिसने पशु पेड़ सूर्य चंद्रमा मनुष्य बनाए? दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद पीयूष। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ईश्वर जो सच है या नहीं किसी को नहीं पता, पर उसके नाम पे हो रहे बिजनेस, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को हम सब जानते हैं, पर करते कुछ नहीं। कुछ बाबाओं और कुछ आकाओं के चक्कर में आकर इंसान अंधभक्त और आतंकवादी बन जाता है। कुछ प्रश्न उठते हैं मन में, क्या इन लोगों को अपने भगवान या अल्लाह पे विश्वास नहीं, या इनको खुद पे विश्वास नहीं? क्या इन्हें पता नहीं कि जीवन कितना अनमोल है? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये सब लोग बाबाओं और आकाओं के चक्कर में आकर कैसे मूर्ख बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 25 अगस्त 2017 को गणेश चतुर्थी थी। वहीं पंचकुला में लोग गणेश जी की पूजा न करने के बजाय एक बाबा की पूजा में लीन थे। क्या मिला? 20 साल की कैद, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं ये बाबा या आका क्या करते हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन पे विश्वास क्यों करते हैं। आज लोग श्रद्धा की वजह से आंखें मूंद कर हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें इसके लिए किसी ठोस वजह की या सबूत की जरूरत नहीं होती है। या ऐसा विश्वास है जो जज्बात में बहकर किया जाता है, या वो अंधविश्वास होता है। हर बात पर विश्वास करने से यह खतरा रहता है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है जो मानवता को शर्मसार करता है। उदाहरण के तौर पर बाबा राम रहीम, आसाराम, बापूर, हाफिज सईद जैसे लोग जो धर्म के नाम पर बस अपनी दुकान चला रहे हैं। बाबा राम रहीम, आसाराम, बापू के फॉलोअर्स अभी भी इनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। आखिर कब तक भारत में अंधविश्वास की दुकानें चलती रहेंगी, और कब हम समझेंगे कि हर इंसान भगवान का ही एक रूप होता है। दोस्तों, अब इन बाबाओं की कमाई पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसाराम बापू की। आसाराम बापू जी ने 10,000 करोड़ का अपना विशाल साम्राज्य बनाया, जबकि गुरमीत राम रहीम ने 5,000 करोड़ रुपए कमाई की। और अभी एक नए लेटेस्ट बाबा आए हैं, निर्मल बाबा, जिनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने अपना साम्राज्य 1,000 करोड़ का बनाया। दोस्तों, राधे माँ जैसे बहुत सारे बाबा हैं जो कि जिन्हें पता भी नहीं है कि बाबा का क्या दायित्व होता है, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हमारे देश के मंदिरों के पास 20 लाख टन सोना है, जो कि अमेरिकी गोल्ड रिजर्व के करीब 2.5 गुना और भारतीय गोल्ड रिजर्व के करीब 40 गुना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन मंदिरों में पैसा कहाँ से आता है और किस पे खर्च किया जाता है। ये सब सुन के लगता है कि भारत में गोल्ड की कमी नहीं है, पर क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग भूख से मारे जाते हैं? हर साल 25 लाख लोग भूख से मारे जाते हैं, और 20 करोड़ से अधिक भारतीय हर रात भूखे सोते हैं। 2006 और 2007 के दौरान कुपोषण में 70 लाख भारतीय बच्चों की मौत हुई थी। इनमें एक वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या करीबन 20 लाख थी। हम सबको ये समस्या नज़र नहीं आती। हम सब अपना पैसा दान में देते हैं इन बाबाओं और मंदिरों को, क्योंकि हम सबको ये गरीब नज़र नहीं आते। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। दोस्तों, इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार, जिससे अभी उत्तर प्रदेश में 49 बच्चे मारे गए थे। क्या आपको पता है इंसेफेलाइटिस के कारण 35 वर्षों में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है? ये बीमारी क्यूलेट प्रजाति के मच्छर से होती है। हम मच्छरों से अपने देश को बचा नहीं सकते। और बात करते हैं धर्म और जाति की। हमारे भाई लोग गरीबी और भूख से मरते रहेंगे, और कब तक धर्म के नाम पर हम लुटते रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। दोस्तों, क्यों ना हम
एक पॉजिटिव सोच लाएं और अपने विश्वास से इन लुटेरों की अंधविश्वास की दुकानों को बंद करने का संकल्प लें। देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इंसान को इंसान समझें और हर इंसान में भगवान का एक अंश होता है। अगर कोई इंसान भूखा मरता है तो हमारे लिए शर्म की बात है। कृपया अपना ध्यान धर्म जाति से हटाकर भगवान की संतानों पर डालें। ये जो गरीब और भूख से तड़प रही हैं, क्या पता अगले जन्म में आप भी गरीब पैदा हों और आप भी भूख से मर जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।